यूपी के रामपुर में दहेज में 5 लाख रुपए की मांग पूरी न करने पर दहेज लोभियों ने मारपीट करने के साथ ही पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने विवाहिता की ओर से पति समेत 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। घटना स्वार क्षेत्र के गांव खोडकला गांव की है, जहां निवासी शकील अहमद ने अपनी बेटी शहनाज की शादी लगभग 4 वर्ष पूर्व उत्तराखंड के केलाखेड़ा निवासी मोहम्मद राशिद के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ की थी। हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज में 5 लाख रुपए की मांग पूरी न करने पर दहेज लोभी पति मोहम्मद राशिद, जेठ मोहम्मद आसिफ, सास शकीला बेगम, नंद नाजिया नाराज थे। शादी के बाद से ही प्रताड़ित करने के साथ ही मायके से 5 लाख रुपए लाने की मांग करने लगे थे। इस दौरान महिला के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन दहेज लोभी अपनी मांग पूरी करने पर अड़े रहे। आप स्वार थाने आई हैं? क्या मामला है, क्या शिकायत करने आई हैं स्वार थाने? इसीलिए आई हूँ, मेरी लड़की छीन ली है, मुझे मार के घर से निकाला है, पैसे मांग रहे मुझसे 5 लाख, मुझे धमकी दी है जान से मारने की कि कहीं पर मिल गई तो जान से मार दूंगी। किसने? मेरे पति ने। अच्छा, तो फिर आप? तलाक दे दिया है मुझे। आपको तो आप स्वार थाने में काय की गुहार लगाना आई हैं? रिपोर्ट कराना आई। कहाँ रहती हैं आप? किलाखेड़ी। शादी कहाँ हुई थी आपकी? किलाखेड़े हुई है, रहती खोद में। खोद की रहने वाली हैं आप? कब हुई थी शादी? 4 साल हो गए। 4 साल किलाखेड़े रहते हैं। किलाखेड़े, क्या नाम है उनका आपके हस्बैंड का? राशिद, मोहम्मद राशिद। क्या बच्चे हैं आपके? 2 हैं, 2.5 साल का लड़का है, 10 महीने की लड़की है, वो दी नहीं है, छीन ली है मुझसे। अच्छा, 10 महीने की बच्ची, जो बच्ची छीन ली है। शहनाज ने मुकदमा लिखा है, जो खोदकला थाना स्वार की रहने वाली है, उसका पति राशिद और उसका जेठ आसिफ, सास शकीला बेगम और ननद नाजिया, उधम सिंह नगर में इसकी शादी हुई थी। वो इसको साथ दहेज के लिए मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इसको तलाक दे दिया है और इसका आरोप है कि इसका पति दूसरी जगह अपनी शादी करना चाहता है। इस को लेकर यहाँ मुकदमा लिखा गया, इस तफ्तीश कर रही है और ये जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे इस पर कार्रवाई की जाएगी।